ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि प्यारे बच्चों, कन्वर्ट इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट कर लो। पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री। चलिए, ये डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। ये सारे के सारे किस में है? रेडियन में है, मतलब डिग्री में है। हमें कन्वर्ट करना है बेटा, किस से किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? आसान है, आसान सी बात है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें देखो, हमने देखा कि 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। तो आप पाई के टर्म्स में भी कर सकते हो, या फिर 3.14 उसका वैल्यू पुट अप करके भी इसको कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड है। अब आप बोलोगे सर, ये 30 डिग्री को कैसे करें? तो कुछ नहीं, आसान है। ये इधर 30 चाहिए ना, 180 की जगह 30 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखो इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में 180 से। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया 180 डिवाइड बाय 180, और इस साइड में क्या होगा, पाई अपॉन 180। ये डिग्री है, ये रेडियन है। तो ये 180 बाय 180, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसका मतलब 30 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा काम। सो 30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 × π/180 रेडियन। तो ये 0 कैंसिल, ये 3 से बना 6, आंसर आया π/6 रेडियन। 30 डिग्री इक्वल्स टू π/6 रेडियन। कुछ समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है, यस तो इस तरह से ये कन्वर्जन होता है। तो अगर डिग्री से किसी को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो एक काम करिए, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना शॉर्टकट बन गया। क्या शॉर्टकट बन गया? कि 1 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। सो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पाई अपॉन 180 से बस मल्टीप्लाई करना होगा, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अब ये आसान बन गया ना, तो बस इससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। पाई अपॉन 180 से बस हमें मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। तो चलो 60 × π/180 एकदम आसान। 5/3 π/3 खत्म, बात, आंसर आ गया π/3। कितना सिंपल हुआ देखो, है ना आसान। उसी तरह 180 × π/180, 120। तो ये 62 = 120, 63 जा, सो दिस इज फाइव नथिंग, बाय थ्री 2π/3। इज इट सिंपल? वेरी सिंपल। दिस बिकम्स 5/180, 5/4 और ये 45, और ये बनता है 45 × 2 = 90,
ये तीन से मल्टीप्लाई करके तीन से पांच और ये छह, आंसर आया 5 pi/6। उसी तरह 210 का क्या आएगा बोलो फटाफट, 5 by 180 से 7 pi/6। शाबाश, तीन से काटो इसको 7, ये बनेगा 6, ये बनेगा 7 pi/6। दीज आर योर आंसर्स। कितना फास्ट कर दिया हमने, देखो यार देखो कितना फास्ट हुआ, नहीं समझे? क्लियर? यस सर। अगर आपसे पूछा जाए इसका उल्टा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने को बोला तो क्या करोगे? 180 by 500। जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा कर देंगे हम। यहाँ पर पाई बाय 180 था, यहाँ पर पाई बाय 180 था, तो अब उल्टा करना है, रेडियन से डिग्री अगर करना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। क्लियर? किस तरह? यस सर। आपको करना होगा, समझा ये करने को? yes, आपको हाँ। यस सर। चलो देखते हैं कौन कौन करता है। लेट्स सी, थ्री पाई बाय टू रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री? दूसरा, अपने अपने आंसर्स खुद तैयार करो और मुझे चैट पे भेजो, मैं देखना चाहता हूं कौन ठीक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है? पाई बाय फाइव रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री? चलो देखते हैं कौन कौन इसको सही सही करता है। टाइम अप हुआ है सर जी। टाइम खत्म हुआ है। हाँ 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 बस तीन मिनट में हो जाएगा। तो माधवी का आंसर आया है, हर्षा पाटिल, हाँ हर्षा पाटिल, ओके। और कौन है? ठीक है करो बाकी लोग फटाफट फास्ट। गार्गी का भी आंसर आया, ओके ठीक है। देखो बेटे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे कन्वर्ट करना है? 180 बाय पाई से, बहुत आसान है, 180 बाय पाई। सो
दिस इज 3π/2 इंटू 180/π, उल्टा पाई पाई कैंसिल, ये 2 से बन जाता है 90 एंड 9 3 27 270 डिग्री। सो ये माधवी ने आंसर दिया है, हर्षा ने दिया है और गार्गी ने दिया है, शाबाश, वेरी गुड। यस, उसके बाद पाई बाय 5 इंटू 180/π, पाई पाई कैंसिल, आंसर आया ये 3 और कितने बचे 3, 36 डिग्री। सेकेंड का आंसर होगा 36 डिग्री। ये माधवी का सही आया, हर्षा का भी आया, गार्गी, वेरी गुड, शाबाश, सही है 36 डिग्री। यहाँ पर 50 डिग्री बोला है, 50 डिग्री को क्या करते हैं हम, पाई बाय 180, ध्यान में रखना। सो ये कैंसिल हुआ, आंसर आया 5π/18, ये आंसर आएगा। यस, उसके बाद ये 15 इंटू पाई बाय 180 है ना, ये रेडियन में कन्वर्ट हुआ। और इधर 3 से करो, तो 3 5 15, 3 6 18, और 5 से फिर से करेंगे तो 12, राइट। सो आंसर आया 5/12 रेडियन, राइट, 5/12 रेडियन। ये गार्गी का आंसर सही आया, यस गार्गी, करेक्ट, 360 रेडियन। ये थोड़ा गुगली है, क्या होगा, 2π होगा क्या? बोलो, ये 2π होगा क्या? नहीं, क्योंकि 360 डिग्री थोड़ी ना बोला है। ये थोड़ा गुगली था, ठीक है, तो 360 रेडियन बोला है, डिग्री नहीं बेटे, ये 360 रेडियन है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ये 2π गलत है। यस, 360 इंटू रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यस, तो 180 डिवाइड बाय पाई, तो दिस विल बी योर आंसर। इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका आंसर, समझ में आया? तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोग सारे लोग अटेंड करना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में बहुत काम में आएगा। अथर्व है, और कौन है, गार्गी, हर्षा, कोमल, प्रियंका गायकवाड़ और समृद्धि जोशी एंड कार्तिक जोशी, ओके, शिवराज पाटिल, ठीक है बेटे, श्याम, माधवी, तेजस्वी, आप लोग करना, हर रोज अटेंड करना इसको। चलिए, तो आज यहीं रुक जाते हैं।